स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, आज मेरी मम्मी जाएगी आईब्रो बनाने। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट पर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं फाइनली मैंने आईब्रो बना लिया है, ये देखिए। तो मेरा एक सब्सक्राइबर है, पता नहीं वो लड़की है या लड़का है क्योंकि थंबनेल पर उसका फ़ोटो नहीं है। उसका भी एक पार्लर है, वो मुझे कमेंट पर बताया था और वो बहुत दिनों से परेशान था। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती थी वो कमेंट पर बस यही लिखता था कि दीदी आप प्लीज़ आईब्रो बनाइए, दीदी आप प्लीज़ आईब्रो बनाइए, आईब्रो का वीडियो लाइए। तो लीजिए, फाइनली मैंने आईब्रो बना भी लिया है और अभी है मॉर्निंग का टाइम, बज रहे हैं 10, लेकिन ये वीडियो मैं शाम को अपलोड करूँगी, मतलब 3 बजे या फिर 3 बजे या 4 बजे। तो बने रहिए ब्लॉग पर। और अभी हम लोगों ने मिष्टी भी नहा ली और वो देखिए पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक कुकर का सीटी बज रहा है क्योंकि मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी 10 बज रहे हैं और मिष्टी नहा ली है, हम भी नहा लिए और बाबू अभी नहीं नहाया है, अभी वो नाश्ता कर रहा है और कार्टून देख रहा है। तो अभी मैं दाल चढ़ा कर आई हूँ, अभी नाश्ता नहीं किए हैं, अभी तो मैं चाय ही पी हूँ क्योंकि अब आज थर्सडे है तो आज मैं लक्ष्मी पूजा करती हूँ, तो आज थोड़ा लेट हो जाता है। और आज लेट से उठी भी हूँ क्योंकि इसका कारण है हस्बैंड जी जो है ना आज काम पर नहीं गए क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो जब वो काम पर नहीं जाते हैं तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि वैसे भी मैं मतलब हर रोज़ 4 बजे मुझे उठना ही पड़ता है। तो किसी किसी दिन वो जब नहीं जाते हैं तो थोड़ा मैं सो लेती हूँ क्योंकि सोने का टाइम ही नहीं मिलता है। 4 बजे उठती हूँ तो पूरा दिन ऐसे मतलब पार हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है, घर का काम फिर वीडियो बनाना। तो इसीलिए सोने का, बैठने का, आराम करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है। तो जिस दिन वो काम पर नहीं जाते हैं तो मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग पे बने रहिए, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। और आप लोगों ने तो आईब्रो जो मैंने बनाया था उसका थोड़ा सा ही वीडियो बनाई थी क्योंकि समझ ही सकते हैं कोई वीडियो पर आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। तो मिष्टी को मैंने बोला था कि मैं जब आईब्रो बनाऊँगी तो तुम थोड़ा सा इसका क्लिप बना लेना ताकि मेरे सब्सक्राइबर को देखने को मिले कि मैंने आईब्रो बना लिया है। और गई थी रात को, ठीक है, मतलब 6 बजे या शायद 6:30 बजे, तो रात का टाइम था तो मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाई। जैसे घर से निकली, रास्ते का, तो मार्केट का और सब का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत अंधेरा था, लाइट तो जल रही थी लेकिन अंधेरा दिख रहा था। और उधर देखिए बाबू पीछे क्या कर रहा है, घूम रहा है, हाफ पेंट पहन के है, अभी नहाया नहीं है। लो बोलो, चलो नहाएगा। तो क्या करेंगे हम नहाएंगे तो? हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए, अभी देखते हैं पूरा दिन क्या क्या होता है। बाबू आ गया है नहाने, तो चलिए सबसे पहले इसको नहला लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो मैं मोबाइल को रख देती हूँ चार्ज पर, लगा देती हूँ। उठ उठ, देखा बोले तो बोल बोल बोल। अमरूद दिए तो चलिए। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरा लंच बन चुका है। और आप लोग शायद सोच रहे थे कि दीदी 4-5 दिन से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही है, तो जिसका कारण है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मतलब कुछ हुआ नहीं था, ऐसे ही कमजोरी लग रही थी बस। तो मतलब मन नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाऊँ, बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो आज बना रही हूँ। आज थर्सडे है और
अभी आपको दिखाती हूँ कि संडे को जो होता है ना झारखंड में फुल लॉकडाउन, तो उस दिन हस्बैंड जी घर में ही रहते हैं हर संडे को। तो ये देखिए मैं हम लोगों ने रूम को चेंज कर दिया। ये जो पलंग था आप लोग इधर देख रहे थे, इस तरह बिछा हुआ था, और इधर ये वाला जो शोकेस है ये वहाँ पर घुसा हुआ था, और इधर एक फ्रिज था, आप लोग वीडियो में देखते होंगे यहाँ पर फ्रिज था। तो फ्रिज को हम लोगों ने दूसरे रूम पर रख दिया और इसको यहाँ पलंग को इधर कर दिया। तो इसलिए किया क्योंकि इधर देखिए कितना सारा जगह निकल गया, यहाँ पर सब डांस करते हैं। रुकिए मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप सबको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब रूम इस तरह का दिखता है हम लोगों का। पलंग सारा उधर कर दिया, पलंग को शोकेस को यहाँ से यहाँ, और इतना सारा जगह निकल गया। तो जगह इतना हम लोगों ने इसलिए निकाला क्योंकि दो लड़की और आने लगी है डांस करने, तो अभी नहीं आई है, आ रही है, और अभी मैम आने वाली है, रास्ते में है। अभी मिष्टी को फ़ोन की थी तो अभी आ रहे हैं, अभी एक बज रहे हैं, सारे आ चुके हैं डांस करने के लिए। अभी दो लड़की आने में बाकी है, तो अभी पांच जन ये लोग डांस करती है ना, तो जगह थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए था। और वैसे एक रूम खाली पड़ा है हम लोगों का, लेकिन वहाँ पर क्या है कि पंखा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पंखा है, और जैसे कि गर्मी का मौसम है तो डांस करती है तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसी रूम में थोड़ा सा जगह निकालने की कोशिश की। अब बच्चे सब यहाँ पर आराम से डांस कर सकते हैं। और उस दिन ना संडे को हस्बैंड जी बहुत सारा काम किए थे और मैंने भी, तो इसलिए बहुत थक गई थी। उसके बाद सोमवार को मैंने बार किया था क्योंकि मैंने फास्टिंग रखी थी ना, मंगलवार को था विपत तारिणी व्रत था, तो उस दिन हम लोग मतलब ऐसे नमक नहीं खाते, बिना नमक का खाना खाते हैं पूजा होने के बाद। तो उसी दिन मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, सर मतलब चक्कर आ गया था मंदिर में ही, तो उसके बाद से मैंने वीडियो ना बना पाई ना अपलोड कर पाई। तो इसीलिए अब से रेगुलर वीडियो आने मतलब लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अभी हम लोग का लंच नहीं हुआ है क्योंकि घर में आए हैं एक मेहमान, तो अभी बातचीत चल रही है। सासू माँ और हस्बैंड बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं उनसे। तो अभी पता है घड़ी में 2:30 बज रहे हैं, पता नहीं आज भी वीडियो अपलोड हो पाएगा या फिर नहीं। अगर आज नहीं होता है तो कल सुबह को ज़रूर हो जाएगा, 8 या 9 बजे पोस्ट कर दूँगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।